नमस्कार दोस्तों, भाषागुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने लेसन्स बना रहा था और आपने इसको फॉलो भी किया और काफ़ी लोगों ने सीखा भी, लेकिन अभी कुछ बिगनर्स ऐसे हैं जिनको ब्लो करने में और जो है मतलब वो ये पूछते हैं कि सर हमसे ब्लो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो मैंने कई चीज़ें मतलब जो है मतलब ब्लो के बारे में भी कई मैंने लेसन्स डाले हैं कि किस तरह से हमें ब्लो करनी है, ब्लो की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या जो ब्लोइंग होल है उसको किस तरह से लिफ्ट पर रखना है, या मतलब किस टाइप से है। ये सब मैं आपको आज एक शॉर्ट में ज़रूर बता रहा हूँ कि आपको सरगम जो है सारेगम जो है आपको जो है किस तरह से बजाना है। मैं बिगनर्स को रिकमेंड करता हूँ कि सी नेचुरल मिडिल जो है सबसे बेस्ट जो है स्केल है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपके फिंगर्स जो हैं इसका एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आपको ज़्यादा फैलाना नहीं पड़ता है। आपके हाथ की जो नॉर्मल पोजीशन है उसी पोजीशन पे आप जो है इस फ्लूट को बजा सकते हैं, और इसमें ब्लो जो है ब्लो भी थोड़ा कम लगता है, मतलब आपको बहुत तेज़ नहीं फूकना रहता है, या बहुत आसानी से आप इसमें ब्लो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जब आपका इसमें हाथ एकदम अच्छे से सेट हो जाए, मतलब आप इसमें आपकी फिंगर्स की मूवमेंट सही हो जाए, आपकी ब्लो सही हो जाए, ब्लो का प्रेशर सही हो जाए, तो फिर आप बड़ी बेस फ्लूट जी बेस या ई बेस आप बजा सकते हैं, मतलब बेस की कोई फ्लूट बजा सकते हैं। क्योंकि बेस की फ्लूट बजाने में क्या होता है, फिंगर्स को आपको जो है एक्सपेंड करना पड़ता है, उसमें फिर एक्सपेंड भी करना पड़ता है और फूंक भी ज़्यादा लगती है, और शोल्डर्स जो है उसकी पोजीशन थोड़ी मतलब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेन आता है, तो यहाँ दर्द भी हो जाता है। तो बिगनर्स के सबसे बेस्ट जो है सी नेचुरल मिडिल है, इससे आप स्टार्ट करें। जैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कार से रोड पर चल रहे हैं, अगर आप बीच में चलेंगे तो आपके पास राइट साइड भी जाने का रास्ता है, मतलब जगह है, और जो है लेफ्ट भी जगह है। इन द सेम वे सी नेचुरल मिडिल में आप जो है लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव, मतलब मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक बहुत आराम से बजा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये इस स्केल को मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर बिगनर्स। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको जो ब्लो की जो है किस तरह से करना है। आप फ्लूट को इस तरह से पकड़ लें और अपने लिप्स, नीचे वाले लिप्स से 50% इस होल को बंद कर लें और इसमें जो है अंदर की तरफ ब्लो मारें। तो इस तरह से आपको इसमें जो है ब्लो मारनी है, बहुत तेज़ नहीं मारनी है, बहुत हल्की नहीं मारनी है, और इस तरह से आपको ब्लो करनी है। और देखिए ब्लो की पोजीशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लो की पोजीशन जो है, जैसे ये हमारी जो ब्लो है, सबसे पहले तो आप मुस्कुराएं, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका जो चेहरा है इस टाइप होता है, तो ये आपको जो है स्माइलिंग फेस जो होता है ये थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ब्लो आपकी जो है 45 डिग्री नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस लीव से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं ब्लो कर रहा हूँ तो इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब मेरी ब्लो नीचे की तरफ आ रही है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करें कि आपकी ब्लो नीचे की तरफ आए और ये होल जो है 50% बंद रहे और ब्लो जो है आपकी इसके अंदर आ जाए। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें अगर जवारी कटी है, मतलब ऊपर के पोर्शन में अंदर से अगर इसको शार्प किया गया है, जवारी कटी, तो आपकी ब्लो ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी, जो मैंने आपको इसके पहले के लेसन में भी बताया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरगम जो है आपको किस तरह से बजाना है। तो इस तरह से आपने तो अपने अपने ब्लो कर लिया, इस तरह से आपको एक मोटी ब्लो करनी है। इसके बाद जो है आप जो है फर्स्ट होल को होल्ड बंद कर लें, क्योंकि तीन होल सारे गम, ये आपके तीन होल जो हैं सारे गम, ये जो होल हैं ऊपर से थ्री होल्स बंद करते हैं तो सारे गम होता है। तो ये जो आपके थ्री होल्स क्लोज करके जो है ब्लो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि आपने जो है पूरा ब्लो कर लिया, अब इसके बाद में एक होल को जो है आप बंद करके इसमें ब्लो करें। तो आपने देखा कि साउंड में कुछ डिफरेंस आया। तो एक्चुअली जब जो है इसके बाद में आप जो है दो होल बंद कर लें, इसका
बाद में थर्ड होल आप बंद कर लें। इसका ये आपका जो है स हो गया। अगर ऊपर से थ्री होल्स बंद हो गए तो स हो गया। इसकी प्रैक्टिस करें। अब हमको रिवर्स करना है, सारे गम। जब हम फर्स्ट होल को जो है हाफ खोलेंगे तो ये हमारा शुद्ध म हुआ, और इसको अगर हम पूरा खोल देंगे तो ये हमारा तीव्र म हुआ। तो इसको हम हाफ जब खोलेंगे तो ये हमारा शुद्ध म है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। ये आप ऊपर से भी कर सकते हैं। आप जो है इसमें जो है तीव्र म भी बजा के प्रैक्टिस करते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हमको फिंगर्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, और फिंगर्स की मूवमेंट्स कैसे आपकी तेज हो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जो है आप शुद्ध म अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप तीव्र म ही यूज़ कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम फिंगर्स को चलाने की कोशिश करें। इस तरह से आपने जो है ये सा रे ग म ग रे सा ये आपने प्रैक्टिस किया। मतलब इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके फिंगर्स का मूवमेंट्स अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद में आप जो है यहाँ से स्टार्ट करें, ध जो है मतलब पांच होल बंद कर लें। ठीक है, पंचम में क्या होता है कि ये वेंस, इसकी वेंस और इस फिंगर की वेंस जो है इंटरकनेक्टेड होती है। जब हम पंचम बंद करते हैं तो ये हमारा खुला रह जाता है। तो इसके प्रैक्टिस मैं आपको बाद में कराता हूँ। पहले आप जैसे आपने अभी जो प्रैक्टिस की थी, ये आपने किया थी सा रे ग म ग रे सा, ये आपने प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद आप ध बजाइए। इसके बाद सबसे अच्छा तरीका है कि आप ध बजाइए, मतलब आप ऊपर से आपको पाँच होल बंद करना है। इस तरह से आप ध ध ध नी सा रे ग म ये आप बजाएं। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे आपकी फिंगर्स की मूवमेंट्स जो हैं अच्छी होने लग जाएंगी। और फिर अब सबसे लास्ट में जब हमारा ध एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो इसको टच करेंगे कि हमारा प प जो है बहुत आराम से बजेगा। तो इससे कहना कि आप बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर म और प बजाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये केवल बिगनर्स के लिए है। आप इसको जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छे से, मतलब कहने अगर आपको सही तरीका मालूम है तो आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कोशिश करके जो है इसको इस तरह से प्रैक्टिस करें, मतलब स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया वैसे करना है, फिर ध से आपको बजाना है। अब इसके बाद में पंचम प बजाने की कोशिश करें। ये हमारा मंत्र सप्तक का पंचम बज रहा है। एक बार जो है मंत्र सप्तक का आप पंचम बजाएं और एक बार जो है मध्य सप्तक का पंचम बजाएं। तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप सा रे ग म प ध नि सा पूरा बजाएं तो आपके फिंगर्स मूवमेंट्स और होल क्लोजिंग एकदम सही होगी। तो इससे आप आराम से जो है फिर आप जो है सरगम बजा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा सरगम बजा के बता रहा हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है।
से जो है अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, और इसको जो है जितनी स्पीड में आप बजाएंगे आपके फिंगर्स की मूवमेंट्स उतनी अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो तो चलते चलते अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो अगर आप जो है कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप अवश्य सीख लेंगे। तो कभी भी आदमी को मन से नहीं हारना चाहिए, हमेशा जो है मन को ये कहना चाहिए नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, तो आप इसको अवश्य कर लेंगे। तो चलिए चलते चलते मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ।